हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों, आज जो यूपी कैटेट का एग्ज़ाम हुआ है एग्रीकल्चर के लिए, स्टेट यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर में प्रवेश चाहते हैं अभ्यर्थी, उन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं जो अभ्यर्थियों से हमें मालूम पड़ा है। क्योंकि जैसा आप जानते होंगे, इसका कोई भी पेपर नहीं दिया जाता, पेपर रख लिया जाता है। तो जिन अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उनसे हमने जो क्वेश्चन मालूम पड़े हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन एक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है कौन सी फसल को अनाज वाली फसल की रानी के रूप में जाना जाता है, यानी अनाजों की रानी के रूप में जो फसल जाना जाता है, वो पूछा था मक्का। जो ऑप्शन थे वो उधर थे, मगर जो सही इसका आंसर था वो मक्का था। मक्का को अनाजों वाली फसलों की रानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नीपिंग मेथड या नीपिंग पद्धति किस फसल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया था। नीपिंग पद्धति, नीपिंग मेथड किस फसल से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, जो ऑप्शन में दिया गया था क्वेश्चन इस तरीके से था कि निम्नलिखित फसलों में किस फसल को सर्वाधिक जल की आवश्यकता होती है, तो उसमें धान भी था आपका, गन्ना भी था, गेहूं भी था। तो धान और गन्ना में से आपको सटीक चुनना था, तो जो बेहतर होगा वो गन्ना होगा। गन्ना को सबसे ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद करते हैं, क्वेश्चन में था कि यानी पहली बार आप जब खेत में पानी करेंगे, सिंचाई करेंगे गेहूं की फसल में, तो वो बुआई के कितने दिन बाद होनी चाहिए, तो बुआई के 21 दिन बाद, बुआई के 21 दिन बाद पहली बार गेहूं की फसल को पानी दिया जाता है। ग्लाइफोसेट खरपतवार नाशी का प्रयोग किस फसल के लिए किया जाता है, यानी एक ग्लाइफोसेट है वो एक तरह का केमिकल होता है जो यूज किया जाता है खरपतवासी, यानी जो अनावश्यक खेत में उपज हो जाता है उसे दूर करने के लिए, तो ये बाजरा के लिए प्रमुखतः युग प्रयोग में लाया जाता है। सर्दकालीन गन्ने की बुआई किस माह में की जाती है, तो सर्दकालीन गन्ने की बुआई का जो ऑप्शन था आपका उसमें फरवरी था, मार्च था, अक्टूबर था, तो जो सटीक आंसर था वो अक्टूबर था। अक्टूबर माह में सर्दकालीन गन्ने की बुआई प्रारंभ की जाती है, सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर। सरसों की कुल फसल यानी सरसों किस कुल से संबंधित है, ये क्वेश्चन भी आया था, किस प्रजाति की है सरसों, किस कुल की है, ये क्वेश्चन था। तो जो सरसों की प्रजाति है, कुल है, वो क्रूसीफेरी है, क्रूसीफेरी से सरसों की फसल संबंध रखती है। कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, जो ऑप्शन में दिया गया था उसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है, तो जो जैव उर्वरक नहीं है वो पी एस बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा PSB। दोस्तों, अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मालूम है जो आज एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम उसका आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल में खैरा रोग किसके कारण होता है, यानी चावल में खैरा रोग किस पदार्थ, किस एलिमेंट की कमी के कारण हो जाता है। और कंपटीशन के एग्ज़ाम से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चावल में खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण हो जाता है। अंधी गुड़ाई किस फसल से संबंधित है, यानी अंधी गुड़ाई जिस फसल से संबंधित है वो गन्ना है। गन्ने में अंधी फसल यानी अंधी गुड़ाई के रूप में जो है गन्ने का प्रयोग होता है। आप जानते होंगे जब रपड़ा खेत में लग जाता है तो उसे हटाने के लिए अंधी गुड़ाई जो कहा जाता है वो की जाती है, सही आंसर हो जाएगा गन्ना। मक्का की प्रति हेक्टर बीज दर क्या है, मक्का की प्रति हेक्टर यानी प्रति हेक्टर में मक्का का कितना बीज डाला जाता है, ये क्वेश्चन था। तो जो ऑप्शन है दोस्तों आप जानते होंगे, या अगर संकर प्रजाति आप लगा रहे हैं तो 20 से 22 किलोग्राम आपको चाहिए, यदि आप साधारण लगा रहे हैं तो ये मात्रा 22 से 28 तक होती है, मगर जो सबसे सटीक होता है, जो मान्यता प्राप्त है, वो 22 से 22 किलोग्राम मक्का की रिक्वायर्ड काफ़ी हो जाती है एक हेक्टर में।
फैलोरी माइनर किस का वास्तविक नाम है, यानी बोटेनिकल नेम किसका है फैलोरी माइनर, तो वो आपको बताना था। तो एक तरह का घास होता है, यानी घास का समूह है। तो जो आपको बता दूं, ये गुल्ली डंडा के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा जिसमें होती है वो बताना था। दाल, चावल और सोयाबीन इसमें ऑप्शन में दिया गया था। तो नॉर्मल क्वेश्चन है और ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसका सही आंसर दिया होगा, सोयाबीन में प्रोटीन की सबसे अधिक मात्रा होती है। निम्न में से कौन सी फसल सभी मौसमों में बोई जाती है, यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसे आप किसी भी मौसम में लगा सकते हैं, उसकी बुआई कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन वहां पर दिए गए थे, ऑप्शन के अनुसार काफ़ी बेहतर जो सबसे सटीक आंसर इसका था वो मक्का था। मक्का को आप किसी भी मौसम में बो सकते हैं। डेपोंग विधि किस फसल से संबंधित है, डेपोंग विधि पूछा गया था। तो डेपोंग विधि काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है, चावलों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। सिलिकॉन कौन सी फसल के लिए लाभदायक है, सिलिकॉन एक एलिमेंट है और ये पूछा गया था कि सिलिकॉन किस फसल के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों मैं बता दूं, जो ऑप्शन था उसमें चावल एवं मक्का दोनों दिए हुए थे, तो ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने इसका सटीक आंसर जो किया है मक्का किया है, मगर ऐसा नहीं है, चावल के लिए भी ये सटीक मानी जाती है, काफ़ी लाभदायक मानी जाती है और महत्वपूर्ण आंसर जो इसका होना था वो चावल होना था। अभ्यर्थियों ने मक्का भी लगाया है। अब फाइनल जो इसका रिज़ल्ट होगा, फाइनल इसका जो आंसर होगा वो यूपी कैटेट के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। सिलिकॉन का काफ़ी फसलों के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख दोस्तों, इसके बाद हम आपको जो है यूपी कैटेट के जो अदर क्वेश्चन आए हैं उस पर भी डिस्कस करेंगे, क्या कट ऑफ जा सकता है उस पर भी डिस्कस करेंगे, और जो भी यूपी कैटेट से संबंधित आपको जानकारी चाहिए वो भी हम आपको इस चैनल से आपके प्रोवाइड कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाले यूपी कैटेट के हर तरह की जानकारी मुहैया की जा सके। क्वेश्चन था कि क्रीटेन मृदा में कणों का आकार कितना होता है, ये क्वेश्चन आया था। तो ऑप्शन के अनुसार 0.02 mm अभ्यर्थियों ने आंसर किया है, मगर इसका सटीक आंसर जो होगा वो है 0.002 mm मिलीमीटर, यानी कि इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा, आम का खाद्य अंश कौन सा है, यानी आम का खाए जाने वाला योग्य भाग कौन सा है। तो फल भित्ति होता है, आप जानते होंगे मध्य भित्ति होता है, इस तरह फलों को बांटा जाता है। तो जो आम का मुख्यतः भाग जो खाने में प्रयोग लाया जाता है मध्य फल भित्ति होता है, तो मध्य फल भित्ति को आम के खाया जाता है। ओलरी कल्चर में हम अध्ययन करते हैं, क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं, चाहे वो पीसी कल्चर हो, ओलरी कल्चर हो, या किसी भी तरह का कल्चर जो ज़्यादातर हरित क्रांति के समय आप प्रयोग में लाए गए, तो उसमें से यूपी कैटेट हो, आईसीएआर हो, एक क्वेश्चन बनता ही है। तो आप ये क्वेश्चन बना है, ओलरी कल्चर का अध्ययन हम करते हैं तो सब्जी के उत्पादन से ओलरी कल्चर का संबंध है। शंकु रूप जड़ पाया जाता है, शंकु रूप जड़ यानी त्रिभुजानुकार जिसे आप जानते होंगे, शंकु रूप जड़ किस फसल में पाई जाती है, तो जानते हैं आप गाजर में शंकु रूप जड़ पाई जाती है। गजड़ कई तरह की होती हैं, आप जानते भी होंगे कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि इसकी जड़ें तना रूप है, इसकी कौन सी जड़ें मुख्य हैं, खाए योग्य भाग कौन सा है, तना या जड़ें, तो गाजर का खाया जाना वाला भाग जड़ें होती हैं। इनमें से कौन सा बीज द्विबीजपत्री भ्रूणपोषी स्वभाव का है, ये क्वेश्चन था, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चना, तो इनमें से कौन सा द्विबीजपत्री है, तो चना। इस तरह के क्वेश्चन नीट के एग्ज़ाम में भी आते रहते हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण पोषण स्वभाव का सही आंसर हो जाएगा चना।
निषेचन के उपरांत अंड कोशिका निम्न में से बदल जाती है, ये क्वेश्चन आया था। जो ऑप्शन थे आपको चार ऑप्शन दिए गए थे और उसमें से आपको बिल्कुल सही आंसर को, सटीक आंसर को चुनकर लिखना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंडाशय। वायु पराश्रय प्रांगण निम्न में से किसमें होता है? वायु पराश्रय प्रांगण निम्न में से किसमें होता है? तो सही आंसर हो जाएगा मक्का। तो आप देख रहे होंगे चना एवं मक्का से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी यूपी कैटेट में आए हैं। तो ICAR का अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो इस तरीके से प्रेपर होकर चलिएगा कि आप कोई क्वेश्चन मिस ना कर पाएँ। तो बाकी अगर आपको और क्वेश्चन पता है, अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन क्वेश्चन का भी आंसर देंगे। दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और यूपी कैटेट से संबंधित अगर कोई भी जानकारी चाहिए, वहाँ हम आपको यूपी कैटेट के पेपर का सॉल्यूशन और यूपी कैटेट का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, यूपी कैटेट में क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, हर तरह की जानकारी आपको ऑफिशियल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट somacademy.org पर मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ पर जाकर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से हर चीज देख सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं उनकी आएगी। अगर आप भी बताइए जो आपको क्वेश्चन पता हो, ताकि हम उसका आंसर आपको सत्यापित कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।